कोरोना वायरस महामारी के दौरान कभी न रुकने वाली रेल भी थम गई थी, मगर अब एक बार फिर जब देश भर में अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है तो ऐसे में पटरी पर ट्रेनों को दौड़ाने का भी अगला पड़ाव नजदीक आ रहा है। साथ ही लंबी वेटिंग लिस्ट की समस्या का समाधान करने के लिए इंडियन रेलवे की ओर से एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। देश में 12 सितंबर से 80 नई स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिनके लिए 10 सितंबर से रिजर्वेशन शुरू होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने बताया कि जब भी और जहां भी वेटिंग लिस्ट लंबी होगी, हम मूल ट्रेन के बाद उसी तरह की एक क्लोन ट्रेन चलाएंगे ताकि यात्री उसमें यात्रा कर सकें। इस फैसले से 1 से 1.5 महीने की चल रही वेटिंग लिस्ट से लोगों को निजात मिल जाएगा और यात्री आराम से यात्रा कर पाएंगे। आइए अब आपको बताते हैं कि क्लोन ट्रेन का आइडिया क्या है। उदाहरण के तौर पर समझें तो बिहार से दिल्ली तक आने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में अगर ज़्यादा वेटिंग लिस्ट होगी तो रेलवे उस ट्रेन के निकलने के 1 घंटे या कुछ देर बाद उसी नंबर की एक और ट्रेन दिल्ली के लिए चलाएगा, जिसमें बिहार संपर्क क्रांति के वेटिंग लिस्ट टिकट वाले यात्रियों को यात्रा का मौका मिलेगा। ये ट्रेन सेम नंबर की होगी और उसी प्लेटफॉर्म और रूट से दिल्ली पहुंचेगी। ये ट्रेनें ज़्यादा डिमांड वाले रूट पर वेटिंग लिस्ट के आधार पर चलाई जाएंगी। रेलवे बोर्ड का कहना है कि रेलवे वर्तमान में चल रही सभी ट्रेनों की निगरानी करेगा और इस बात का पता लगाएगा कि किन ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट ज़्यादा लंबी है। रेलवे नई ट्रेनें शुरू करने को लेकर राज्य सरकारों के साथ तालमेल कर रहा है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने स्टेशन परिसर में और यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। वहीं स्टेशन पर यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के लिए कम से कम 90 मिनट पहले पहुँचना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना होगा। इसके अलावा उन्हीं लोगों को इन ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है। रेल यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप भी इंस्टॉल करना अनिवार्य होगा। कोरोना वायरस के चलते रेलवे यात्रियों को तकिए, कंबल, पर्दे, चादर, तौलिए जैसी चीजें नहीं मिलेंगी। इसके अलावा यात्रियों को रेलवे की ओर से ट्रेन में पकाया हुआ भोजन भी नहीं मिलेगा। फिलहाल यात्रियों को पैकेज्ड फूड ही दिया जा रहा है। इस बारे में अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।